वो ये है कि हम सारे के सारे इस वक्त हैकेबल कम्युनिटी बन चुके हैं। ये जो हमारे हाथ में डिवाइस है ना, ये हमें लगता है कि शायद हमारे फायदे के लिए ईजाद की गई है, और हमें ये लगता है कि ये फेसबुक है, ये मेरी सहूलत के लिए है, और व्हाट्सएप मेरी सहूलत के लिए है, और इंस्टाग्राम मेरी सहूलत के लिए है। लेकिन ये ऐसा नहीं है। आप PTCL की कॉल करें तो आपको 5-10 रुपए देने पड़ते हैं, किसको खत लिखें तो आपको 10 रुपए की टिकट लगानी पड़ती है। हमारे जेहन में ये सवाल आना चाहिए कि व्हाट्सएप मुफ्त क्यों है? मैं अपनी बहन से डबलन में बात करता हूँ, 1-1 घंटे वीडियो बात करता हूँ, मुझे पैसे क्यों नहीं मुझसे ले रहे? अच्छा, जिसने ये बनाया है वो उस पर $42 खर्च कर रहे हैं। इलॉन मस्क ने ये $42 बिलियन की एक चीज खरीदी है, और वो चीज इस एनक जितनी भी नहीं है। उस चीज का नाम है ट्विटर, और ट्विटर से एक पैसा भी कोई नहीं कमा रहा। तो उसने $42 बिलियन इतने बड़े बिजनेसमैन ने क्यों खर्च किए हैं? वो इसलिए कि जो हमारे हाथ में चीज दी गई है, इसके जरिए मुझे और आपको हैक किया जा रहा है। पहले हमें ये कहा जाता था कि हम हैकेबल एनिमल हैं, स्पीशी हैं, हम हैक हो चुके हैं। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो आप अपना अपना मोबाइल निकालिए और फेसबुक खोलिए, हम सबकी स्क्रीन डिफरेंट होगी। जबकि आप सिनेमा में फिल्म देखने जाएं तो एक ही स्क्रीन होगी, टीवी आप ऑन करें एक चैनल तो, लेकिन ये मेरी और आपकी हर एक स्क्रीन डिफरेंट है, इसलिए कि मुझे और आपको हैक किया जा चुका है। ये फिक्शन नहीं है। जिस वक्त हम यहां एक सेल्फी खींच के बताएंगे, और उस वो सेल्फी एक जिग्सा पजल का एक छोटा सा बिट है, जो कि मेरा और आपका प्रोफाइल ऑलरेडी उनके पास मौजूद है। इसलिए कि एक जमाने में जब जमीन जिसके पास ज्यादा, सॉरी मैं ज्यादा लंबी बात तो नहीं, नहीं, नहीं सर, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, कि जिसके पास जमीन ज्यादा होती थी उसके पास पावर ज्यादा थी, तो लोग मुल्कों पे कब्जा कर लेते थे। फिर ये पता लगा कि मशीनें अगर ज्यादा हो जाएंगी तो उस पे वो ताकतवर होगा। अब जिसके पास डेटा ज्यादा है वो ताकतवर है। ये बात मैंने इसलिए आपको बताई कि इस वक्त बहुत फजूल डेटा इसके ऊपर आ रहा है, और उस डेटा के जरिए हमारे दिमाग को प्लूट किया जा रहा है, खास तौर पर हमारी यूथ के। तो मैं इसकी तफसील में जाने की बजाय सिर्फ मैंने इशारा तो अर्ज किया है, हमारे लिए इसके ऊपर जो ये काम कह रहे हैं, वीलॉग बनाना या जो हम अच्छी बात सोच रहे हैं उसको बयान करना, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उस गलत डाटा को कम से कम कुछ ना कुछ कम्बैट कर सके, कोई ना कोई अच्छी बात तो, इसके ऊपर नजर आए। दुनिया का तो अब तो ये तो हिस्सा बन गया है, और हमारा भी जिंदगी का हिस्सा है, इसमें अब इसको अपने आप को बचाएं कैसे? देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि बहुत जल्दी इंसानियत ने ये फैसला किया हुआ है, इंसानियत ने इस बुनियाद पर फैसला किया हुआ है कि लोगों का वैल्यू सिस्टम अब ये बन गया है कि जिसके पास पैसा ज्यादा होगा वो ताकतवर होगा। पैसे की अहमियत हमेशा मुआशरे में रही है, लेकिन पैसा वैल्यू सिस्टम के एतबार से टॉप पर नहीं था। वैल्यू उस चीज की थी जो पैसे के बगैर खरीदी जा सकती है। हम भी अभी कहेंगे कि ईमानदारी की ज्यादा वैल्यू है पैसे से, सच्चाई की, लेकिन दुनिया में कुछ लोगों ने यह ठान लिया है कि उन्होंने पूरी दुनिया के सरमाए को इकट्ठा करना है, और वो लोग इकट्ठे भी हो चुके हैं, और वो इस चक्कर में इस दुनिया को यहां से नीस्तो नाबूद करने पर तुले हुए हैं। ये जो कुछ मेटावर्स हो रहा है और जिस तरीके से डाटा कंट्रोल हो रहा है, कुछ अरसे के बाद मुल्कों की हुकूमत नहीं होगी बल्कि ऑर्गेनाइजेशंस की हुकूमत होगी। अभी भी गूगल का बजट जो है वो बहुत सारे मुल्कों से ज्यादा है। तो इसमें मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। तेज बारिश हो रही है, आप कहें बताइए इस बारिश से कैसे बचें? मुझे जाना तो है ना इसी में, तो आप बारिश को नहीं रोक सकते, हाँ खुद रेनकोट पहन सकते हैं और छतरी रख सकते हैं। तो मेरी सजेशन ये होगी कि इस मोबाइल के स्क्रीन के यूज को अपने बच्चों के लिए और अपने लिए जितना लिमिट कर सकते हैं उसको लिमिट कीजिए। इसको सिर्फ इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के लिए यूज कीजिए, एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल मत यूज कीजिए, वरना अगले 10 साल में ऐसी नस्ल आ रही है और वेस्ट में आनी शुरू हो गई है कि जिन बच्चों को सुइसाइडल टेंडेंसीज होंगी, चाइल्डहुड डिप्रेशन होगी, एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर्स होंगे, सुइसाइडल थॉट्स आएंगे। ये इतनी खतरनाक बात है। तो अपने आप को बचाने के लिए जितना नेचर से अटैच हो सकते हैं, कनेक्शंस की देख, हम जो सारे बैठे हुए ना, ये हमारे कनेक्शंस नहीं है, ये हमारे रिलेशंस हैं। लेकिन मेरे 10,000 फॉलोअर हैं अगर, तो ये मेरा कनेक्शन है। बच्चों को रिलेशंस पर लेके आइए, बच्चों को तफरी गाहों में लेके जाइए, बच्चों को साइबर वर्ल्ड से दूर कीजिए, बच्चों को फिजिकल टाइम दीजिए, ये इससे बचने का तरीका है। अदरवाइज ये एक तूफान है जो आके तबाह कर देगा। सर, आप